स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इस वक्त नायरा और कीर्ति के बच्चे को लेकर काफी बड़ा ट्विस्ट लाया गया है। कार्तिक ने नर्स की मदद से बच्चों की अदला बदली कर दी है। हालांकि वो अपने परिवार को अंधेरे में रखने के लिए गिल्टी तो फील कर रहा है, लेकिन नायरा के लिए उसने सच को छुपा कर रखा है। ऐसे में खबर ये मिली है कि कीर्ति अब जल्द कोमा से लौट सकती है। जी हाँ, ये सुनकर आपको खुशी के साथ साथ थोड़ी हैरानी तो जरूर हो रही होगी कि आखिर ऐसा कैसे होगा। लेकिन हम ये बात यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि इस बात के तीन बड़े इशारे मिले हैं हमें। तो आखिर कौन से हैं वो तीन बड़े इशारे जो ये इशारा कर रहे हैं कि कीर्ति जल्द कोमा से लौटेगी? आइए वो हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं। पहला इशारा, बेबी की बात पर कीर्ति कर रही है रिस्पॉन्ड। जी हाँ, शो के लास्ट एपिसोड में दिखाया गया है कि नक्श हॉस्पिटल में कीर्ति से मिलने जाता है, लेकिन जब भी वो कीर्ति से बेबी की बात करता है तो कीर्ति इस बात पर रिस्पॉन्ड करती है। अब भले ही नक्श अपने बच्चे की सच्चाई से अनजान हो, लेकिन वो जब भी कीर्ति से ये कहता है कि कायरा के बच्चे की शक्ल उससे काफी मिलती है, तो इस पर कीर्ति अपना हाथ हिलाकर इशारा सा करती है। अब इस सीन को देखकर तो यही लग रहा है कि कोमा से जल्द लौटेगी कीर्ति, क्योंकि डॉक्टर्स ये बात पहले ही बता चुके हैं कि अगर कीर्ति किसी बात पर रिएक्ट करेगी तो ये एक पॉजिटिव साइन है उसके कोमा से लौटने का। तो ऐसे में माना जा सकता है कि कीर्ति कोमा से जल्द लौट आए। दूसरा इशारा, शो की कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कीर्ति लौटेगी। आप और हम ये बात जानते हैं कि कीर्ति की जिंदगी में नन्हे मेहमान की एंट्री हो चुकी है, लेकिन कोमा में होने की वजह से वो इस बात से अब तक अनजान है। और अब जिस तरह से कार्तिक ने बच्चों को एक्सचेंज किया है, उसे देखकर तो यही लगता है कि जब कीर्ति कोमा से लौटेगी तो शो में असली धमाका होगा, क्योंकि कार्तिक ने ये सोचकर कीर्ति का बच्चा नायरा को सौंपा है कि उस बच्चे को भी एक माँ की जरूरत है। ऐसे में हो सकता है कि जल्द ही मेकर्स कीर्ति के कोमा ट्रैक को खत्म करें, और जब वो कोमा से लौटे तो उसे ये पता चलेगा कि उसका बच्चा जिंदा है, तो वाकई ये ट्रैक शो का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तीसरा इशारा, कीर्ति के कोमा से लौटने का एक और बड़ा इशारा ये भी हो सकता है कि जिन वजहों से कीर्ति ने शो से ब्रेक लिया हो वो अब कम्प्लीट हो गए हों। जी हाँ, दरअसल कुछ दिनों से ये खबरें सामने आ रही हैं कि अगले महीने यानी फरवरी में कीर्ति की सगाई है। ऐसे में माना गया था कि उनका कोमा ट्रैक शो में इसीलिए मेकर्स ने दिखाया क्योंकि उन्हें अपनी सगाई की तैयारियों के लिए कुछ वक्त का ब्रेक चाहिए था। ऐसे में ये माना जा सकता है कि जिन वजहों से मोहना ने ब्रेक लिया हो शो से, वो काम अब हो गए हों और वो अब शो में फिर से कमबैक करें। हालांकि आपको बता दें कि कीर्ति के कोमा से लौटने की कोई ऑफिशियल खबर तो अब तक सामने नहीं आई है। ऐसे में कीर्ति शो में दोबारा लौटेंगी या नहीं, इसके लिए तो हमें इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल इन तीन वजहों को जानने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि मेकर्स जल्द कीर्ति को कोमा से बाहर निकाल लाएं, और अगर वाकई ऐसा हो गया तो कीर्ति की ये रिकवरी शो में बड़ा धमाका करेगी, इसका अंदाजा तो आप भी लगा ही सकते हैं।